गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर, पेज नंबर 41, चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिल ब्लैंक्स। याद रखिए, जब भी आप कोई वीडियो देखे मोबाइल से, आप दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि आपको पता है कि विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 एक मोर फास्टर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही तेजी से काम करता है। अगर बात करें किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, इसका जो विजन है वो भी बहुत तेजी से काम करता है। आज की भागदौड़ की लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है रुकने के लिए, तो सबका काम रहता है अपने अपने कंप्यूटर पर कि वो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो अच्छी हो सके, जिससे कि उन्हें किसी भी काम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्या आपका एरोपीक। एरोपीक क्या है? एरोपीक मेक्स इट इजी फॉर यू टू प्रीव्यू द कंटेंट ऑफ द ओपन विंडो। एरोपीक का मतलब होता है, अगर आप अपनी विंडो के जो कंटेंट है, कंटेंट क्या होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कौन कौन से फोल्डर है, क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो हम यूज़ करते हैं आपका एरोपीक। आप इसके माध्यम से अपने जो कंटेंट है वो आप इजी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है आपका? क्लिक ऑन थंबनेल टू ओपन द विंडो। अगर आपको अपनी विंडो को ओपन करना है तो इसके लिए आपको यूज करना होगा थंबनेल ऑप्शन। अगर विंडो को ओपन करना है तो आप क्या यूज करोगे? थंबनेल ऑप्शन। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है क्लिक ऑन पुश पिन बटन टू अनपिन एन आइटम फ्रॉम माय लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये पिन और अनपिन होता क्या है। देखिए पिन का मतलब होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस प्रोग्राम को आप बार बार यूज करते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप पिनअप कर सकते हैं। वो कहाँ होता है? जो विंडो होती है उसके जो सबसे नीचे जो बार होती है वो होती है आपकी टास्क बार। भजन से आपकी विंडो है, उसके नीचे में एक लाइन खींच दूँ तो वो होती है नीचे टास्क बार। टास्क बार में भी आप जिस जिस प्रोग्राम को आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आप उन प्रोग्राम को आप पिनअप कर सकते हैं, तो वो आपके आ जाएंगे सबसे नीचे बार में। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आप पिनअप कर सकते हैं, और अगर आपको पिन नहीं करना तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पुश पिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रैग द विंडो टू द अपोजिट साइड ऑफ द स्क्रीन टू फिल हाफ ऑफ द स्क्रीन। देखिए इसमें एक चीज हो मिलती है, अगर आपने अपनी जो विंडो है, जो विंडो की स्क्रीन है, आप उसको दो जो भाग होते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, कई बार टीचर आपको समझाते हैं, आपने देखा होगा, मैं इसमें एक क्वेश्चन इधर समझाते हैं, एक क्वेश्चन इधर समझाते हैं, उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जो आपका विंडो का जो प्रोग्राम है आप उसको दो भागों में डिवाइड आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके 7 फिल ब्लैंक्स हैं, लेकिन आज हम 5 करेंगे, बाकी करेंगे हम कल। ये आपको वर्क याद भी करना है, उतारना भी है, और आप मुझे कॉपी चेक कराएंगे स्कूल में, किसी के हाथों भेजेंगे। थैंक यू।